रोटी नहीं खाती, बिस्तरे ते बह गए, नींद आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? जो मैं करदा वा वो ठीक है कि जो मैं आज सुन के आया वो ठीक है? आखो साधना। नींद नहीं आ रही, लड़दे पे मन। जो मैं कर रहा पिया वा वो ठीक है कि जो गुरसिखा को सत्संग चुने ठीक है? अद्धा घंटा, घंटा पाई समुंदा, डेढ़ घंटा नींद पवे ना दो घंटे, कुछ चिर बहन तो बाद सराने ते डिग पे नींद आ गई। वेखो उन्हें बिद बनानी है ना, जो नींद आई तो सुपना चल पिया। ये राइटर ने लिखा सुपना चल पिया। सुपने च की वेखदा? मौत हो गई है। सुपने च की वेखदा? जमदूत लैण आ गए है। सुपने च की वेखदा? धर्मराज कहिंदे है इस पापी नू अग दे नरक च सुट दिओ। इस पापी ने धरती ते जाके नाम जपया ही नहीं। ये सुपना वेख रहा है। इस पापी ने कदी सिमरन नहीं किया, कदी किसे दा भला नहीं किया, इनू अग वाले नरक च सुट दिओ। ये सुपना वेख रहा भी जदों जमदूत अग वाले नरक च सुटन लगे ते इहदी चीक निकल गई। जदों चीक निकल गई ते सुपना टुट गया। सुपना टुटा ते पसीनो पसीन। मैं ते घर बैठा, मैं ते अपने बिस्तरे ते हां, पर आ की वेख्या? आखो सतनाम। ये लिखिया कि सात संगत घर दे किसे मैंबर नूं कुछ दसे तो बगैर जिस जगह ते वह गुरसिख रुके हुए उत्थे चला गया। कह दो गज के सतनाम। उन्हां गुरमुखां कोल बह गया, बैठ के कहण लगा जिस गुरु दे तुसी सेवक हो उस गुरु दे चरण मैनू भी पड़ा दे। देखो घड़ी आ गई बदलण दी। आखो सतनाम। अरदास करिया करो, महाराज कृपा करो साडे ते भी कोई ऐसा कृपा प्रभ डोरी। हुण एक बंदा वेखो नुकसान हो जाए दो दिन रोटी नहीं खांदा, एडा जुड़िया माया ते। एक बंदा इहो जिहा भी कदी सत्संग जांदा ही नहीं, धार्मिक स्थान जांदा ही नहीं। एक बंदा इहो जिहा भी घर लई सब कुछ है, बाहरलियां लई कुछ नहीं, भले लई कुछ नहीं। वेखो कितें वह बस झटका ही लाना सी गुरु ने। कहण लगा मैनू भी वह गुरु को लै जाओ। अगों सिख कहिंदे जिस गुरु दे असी चरण फड़े ने वह जगत रखी एक गुरु ने। असी कार सेवा का समान लैण आए हैं, कल जाना तें भी साडे नाल ही चली। जदों आया अमृतसर एक बारी दर्शन करो गुरु ग्रंथ साहिब चों धन गुरु अर्जन देव जी दे, कह दिओ धन गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव महाराज उपदेश दे रहे हैं। यह भी बह गया। महाराज ने जदों उपदेश समाप्त किया इन्हें फिर जड़ियां बेनतियां कीतियां वो तीन चार मिनट आप जी सरवण करके जायो, सीसा दे के जायो। आप बैठे गुरु अर्जन देव जी उपदेश दे रहे हैं, भाई समुंदा जी भी बह गए बिच। जदों महाराज ने उपदेश की संपूर्णता कीती इन्होंने की सवाल किया वो आपां पांच छे मिनट तो वध नहीं लांगे, वो आपां सरवण करके जाना। आओ कोई वांझा ना रहे, एक बारी कृपा करियो जी सारे टिकाओ बख्शी रखियो पांच छे मिनट। सो सतगुर धन धन, सो सतगुर धन धन, जिन परमगढ़ तोड़िया, जिन परमगढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो, जिन हर सिंह जोड़िया, सो सतगुर वाहो सो।
सतगुर धन धन सो सतगुर धन धन जिन परम गढ़ संगत प्यार जाखो सतनाम। आ भाई समुंदा जी आए ने, जेड़ा पहला सवाल भाई वीर सिंह जी ने लिखा है, महाराज मैं कुछ बेनती करनी चाहना। गुरु अर्जन देव जी कहंदे तेरा नां की है? हुण उदो भाई नहीं अजे जी समुंदा। पिता जी के चरणों के विचों मुख गुरसिखा च फिर भाई समुंद। महाराज जी कहते दसो भाई समुंदा जी की सवाल है? ये भाई वीर सिंह जी ने भी लिखे है, कहते भाई समुंदा जी ने पहला सवाल किया, महाराज सनमुख कौन है ते बेमुख कौन है? बहुत ध्यान सुने, मैं दिल करता गुरु अर्जन देव दे चरण धो के पी ली। एडा सरल जवाब दिता भाई वीर सिंह होर राइटर ने फिर इन अंकित किया। कहिंदा महाराज जी सनमुख कौन है ते बेमुख कौन है? बाबा जी ने वेखो किड्डा सरल जवाब दिता, आ सरल भाषा लोड़ है संगतां तक पहुंचाउण दी। गुरु अर्जन देव जी कहिंदे किसे नूं कोई काम करन भेजीए, सुने ध्यान नाल, सनमुख कौन है ते बेमुख कौन है? गुरु अर्जन देव जी कहिंदे किसे नूं कोई काम करन भेजीए, ओ उस काम नूं सवार के आवे। मान लो तुसीं अपने ते लै लो, तुसीं अपने किसे नूं कोई काम भेजिआ, उस काम नूं ओह सवार के आया, ते जिहड़ा काम सवार के आया ना वो जदों वापस आएगा तो जिन्हें भेजे है ना वो दे मत्थे लगन तो संकोच नहीं करेगा। आखो सतनाम। जिन्हें भेजे है ना वो दे सामने आन तो संकोच नहीं करेगा भी इन्हें जेड़े काम मैनू भेजे मैं करके आया वा, वो मत्थे लगन तो संकोच नहीं करेगा। गुरु अर्जन देव जी कहते जिस काम किसे नूं भेजीए वो करके आवे, आन तो बाद फिर वो संकोच नहीं करता सामने आन तो, उन्हूं आखदे ने सनमुख। आखो सतनाम। सनमुख आन तो संकोच नहीं करता। भाई समुंदा जी समझे हो जी? नहीं। गुरु अर्जन देव कहिंदे निरंकार ने भेजे नाम जपण लई, जेड़ा इस नाम जपण वाले काम नूं खुशी 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 करके दरगाह च जावे ओ निरंकार दे सामने आण तो संकोच नहीं करदा, ओनू सनमुख कहिंदे। देखो साडे पिता जी दा सरल जवाब। गुरु अर्जन देव जी कहिंदे किसे नूं कम करन भेजीए ते कम सवारण दी बजाए ओ कम बगाड़ के आ जा। नोट करियो जी, किसे नूं कोई कम करन भेजीए कम करन दी बजाए ओ कम बगाड़ के आ जाए ना, ते ओ शर्मिंदगी करके सामने नहीं आउंदा भी कम मैं बगाड़ के आ गया, ओनू बेमुख कहिंदे ने। गुरु अर्जन देव जी कहिंदे समझियो भाई समुंदा जी? जी नहीं। कहिंदे निरंकार ने भेजे है धरती ते नाम जपण लई, असी नाम जपण दी बजाए होर काम बगाड़ के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदिया चुगली सस माड़ी नूह माड़ी आ माड़ा गुआंढी माड़ा फलाना माड़ा इहदे विच होर काम बगाड़ के चले गए, फिर सामने नहीं आउंदा किस करके ओ फिर बेमुख हो गया है। गज के कह दे उस जेड़ा काम किसे नूं भेजी उह सवार के आवे ओह फिर चाई चाई। हुण कोई बंदा चढ़ाई कर जे
कभी कहते वधाई होवे, कभी कहते वधाई होवे, पर बाबा बुढ़ा साहब जी जदों चढ़ाई कीती है चोला बदलिया ते छेवें पातशाह ने दुशहरे वाले दिन भोग वाला दिन कह लो दुशहरे वाला जदों कट होया ते छेवें पातशाह ने कहा सारी संगत वधाई होवे आखो सतना बाबा बुढ़ा जी ने चोला बदलिया वधाई होवे विचों कहण लग पे महाराज बाबा बुढ़ा साहब चले गए तुसीं वधाई दे रहे गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे ओए भोलियो जेड़ा ए दुनिया दा अखाड़ा जित के जावे ओदे जान दी भी वधाई हुंदी ओदे जान दी भी वधाई हुंदी बाबा बुढ़ा साहब जी इस दुनिया दा अखाड़ा जित के गए ने जेड़ा जित के जांदा ओ सनमुख है ओदे लई कोई शर्मिंदगी नहीं ओ ते खुश होके निरंकार दे सामने आउंदा आखो सतनाम ओ वधाई है जेड़ा अखाड़ा जित के जावे ओ सनमुख है जिन्नियां संगतां पिता जी दे जवाब तो सुमत लैणियां कि निरंकार जेड़ा काम करन भेजे असी खुशी खुशी करके जाइए फिर सनमुखा उन्हों वगाड़ के जाइए ते बेमुखा हुण दो ढाई मिनट की वार्ता है अगली उन्हों हुण कोशिश करांगा खोलांगे नहीं पर एक संगत गुरु अर्जन देव जी नूं पुछो महाराज दसते दिओ असी केड़ा काम करन आए हां असी भी सवार के जाइए गुर सेवा भगत कमाई गुर सेवा ते भगत कमाई बोलो भैनो गुर गुर सेवा ते भगत कमाई गुर सेवा ते भगत कमाई गुर समा नहीं आ गया दे रहे खुशी खुशी करके जायो जिस काम लिए उन्हें भेजे नाम जड़ा ना खुशी खुशी जपियो बोझ पाके ना जपियो जड़ा बोझ पाके जपेगा असी ओदे भी चरण धोके पीने हैं पर खुशी खुशी जपियो साईं दे नाल गल्लां कर रही है चलो भाई समुंदा जी तो बड़ा असर होया ये सरल जवाब सुन के नाल ही इन्हें झोली अड ली सतगुरु मेरा जीवन सफल हो जाए मेरे लिए की उपदेश है आ सुन लो दो मिनट गुरसिखां दे सवाल सतगुरां दे जवाब सतगुरु मेरे लिए की उपदेश है हुण गुरु अर्जन देव जी ए समझ लो तुहानू कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी कहते भाई समुंदा जी तीन बचन संभाल लो तीन बचन संभाल लो निरंकार दरगाह दियां चाबियां दे देगा सुनियो भाई तीन बचन संभाल लो निरंकार दरगाह दियां चाबियां दे देगा महाराज तीन बचन केड़े गुरु अर्जन देव जी ने मुख चो कड़े तीन बचन कहते नाम दान इशनान आखो सतना बोलो सारे नाम दान इशनान मैनू बड़ी गली चंगी लगी है भाई वीर सिंह जी ने नाम दे अर्थ किते ने नाम दा मिल जाना दान दे अर्थ किते ने वंड छकना ध्यान दे या तीन चीजा संभाल लै नाम दा मिल जाना दान दे अर्थ कीते ने वंड छकना
ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁਚਮਤਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੁਚਮਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜੋਗੇ, ਤਿੰਨ ਵਚਨ ਸੰਭਾਲੋ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਅਜੇ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਟ ਗਏ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜੇ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ, ਨਾਲਾ ਤਰਲਾ ਪਾ ਲਓ ਜਰਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ
दस हजार पंजा हजार पांच सौ हजार लख तुहाडे वाल आ गया है जी। उनू नहीं पता पर तुहाडी दृष्टि नाम जप जप के सर्वव्यापक बन गई है। तुसी ओ चीज नू जदों मोड़न जांदे हो समझ लवो तुहानू नाम मिल गया है। आखो सतनाम मिल गया। मैं एक शहर कीर्तन करन गया दास मेरे वाजे ते किसी ने दो चेक रखते मैं रकम नहीं बोलनी बड़ी रकम दे ते दोवें चेकां दे उत्ते ना नहीं सी भरिया संस्था का भी हो सकता भी आप ही भर लो ते ओ शहर तो जो मैं वापस आ गया दो तीन दिन बाद वावा लंबा सफर सी जेदे चेक सी नाल रुका सी ओ तबले वाले नूं मैं कहा भी एक बारी फोन कर लो भी दो चेकां दा की मतलब एको डेट दा की मतलब ना नहीं भरे एक बारी फोन कर लो। वो जो फोन किया वो कहिंदा जी एक तुहाडा एक फलानी संस्था का ना भर के उन्होंने आखो सतना नोट करे हो जी चीज ते इन्नी खुशी हुण इत्थे मेरे मन च आ जाए जी ना पुछदे दोवें लग जाने सी आखो सतना नोट करे हो यह जदों तुहानू सर्व व्यापक नजर आ जाए जे कोई दूजी संस्था सेवा कर रही है वह भी गुरु गोबिंद सिंह दे बूटे दे फुल ने कोई किसे रूप च सेवा कर रहा वह कलगी धर दे बूटे दे फुल ने जदों तेरी दृष्टि सर्व व्यापक बन गई समझ लै तैनू नाम मिल गया है। एक है वाहिगुरु जपना यह भी नाम है। एक है जपद्या जपद्या सर्व व्यापक दृष्टि सरबत दा भला दृष्टि दूजी बन गई जिन्ना ए शरीर कोलो भला हो सकता हो ही जावे वह है नाम दा मिल जाना आखो सतनाम। मन ते बड़ा सी नाम दान दान ते भी बोला पर चलो समा हो गया। भाई वीर सिंह ने लिखिया वंड छकना यह दान है इशनान सुचमता आखो सतनाम। यह संगतां नूं बेनती है भी सुचमता का भी जिन्ना हो सके आप जी ने पहरा देना है खास करके जिन्हों के घर प्रकाश है आखो सतनाम। बेनती है जे कोई बीबी वीर घर प्रकाश है तो केसां च जल रोज नहीं पाउंदी फिर सात संगत समझ लो सुचमता नहीं आई। ग्रिस्ती का बिस्तरा जूठा होंदा रात वाला कई वो बड़ा बड़ा फिर उस केसां नाल आपां ताबियां बह गए। ये इशनान का अर्थ सुचमता कीता कई गुरु साहब कृपा करन। मैं अखीरली बेनती करनी चाहना भाई समुंदा जी नूं गुरु अर्जन देव जी ने कहा तिन्ने बचन दृढ़ करने हैं उन्हां तिन्ने बचन दृढ़ कीते ते साध संगत चोटी दे गुरसिखां च उन्हां दा नां गज के कह दिओ सतनाम। सो सतगुर धन धन सो सतगुर धन धन जिन परमगढ़
विद्वता अते खोज भरपूर भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह जी दियां 9 अनमोल हथ लिखत पुस्तकां मैं दस्यो मारग संतो श्रद्धा दियां 11 निशानियां 9 विशेषताइयां श्री सुखमनी साहिब जी जीवन सीधा भाग पहला जीवन सीधा भाग दूजा श्री गुरु नानक देव जी दे स्कूल दियां 15 क्लासां सिमरन दियां 9 अवस्था अरदास करन दियां 13 जुगतियां अते विरले केई के ट्रस्ट कोलों किताबां मंगवाउण लई संपर्क करो 98765 2850।